इस वीडियो को देखने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग और ऐसी वीडियो देख सके। तो चलिए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ फोर्ड एस्पायर। चार वेरियंट्स में आती है, एम्बियंट, ट्रेंड, टाइटेनियम और टाइटेनियम प्लस में। और ये टॉप वेरियंट का फ्रंट लुक आप लोग देख रहे हैं फोर्ड एस्पायर में। गाड़ी का फ्रंट से ग्रिल का कम्प्लीट आप लोग लुक देख सकते हैं। ब्लैक एंड क्रोम फिनिश के साथ ग्रिल देखने को मिलती है फोर्ड के लोगों के साथ। और ये है हेलोजन हेडलैम्प स्मोकी फिनिश के साथ विद टर्न इंडिकेटर बल्ब। नीचे की तरफ जो फॉग लैंप मिलते हैं वो भी हेलोजन ही देखने को मिलते हैं क्रोम सराउंड्स के साथ। अगर प्रोजेक्टर हेडलैम्प देते तो काफी अच्छी चीज हो जाती। और ये है 15 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स। रेन सेंसिंग वाइपर्स देखने को मिलते हैं गाड़ी में दो वॉशर्स के साथ। ऊपर की तरफ रूफ में नॉर्मल एंटीना देखने को मिलता है, शार्क फिन एंटीना गाड़ी में देखने को नहीं मिलता आप लोगों को। आउटसाइड ORVMs इंटरनली एडजस्टेबल और फोल्डेबल फंक्शन के साथ आते हैं विद LED टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड। और ये गाड़ी का साइड से कंप्लीट लुक देख सकते हैं आप लोग। 3.9 मीटर की लेंथ देखने को मिलती है दोस्तों गाड़ी में और 1.5 मीटर की हाइट देखने को मिल जाती है फोर्ड एस्पायर में। सेफ्टी की बात करें तो ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म, 6 एयरबैग्स, फ्रंट एंड साइड इंपैक्ट बीम्स और रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिलता है गाड़ी में। इस पर्टिकुलर वेरियंट की बात करें तो 174 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। ये रियर विंडशील्ड में हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिलता है रियर डिफॉकर के साथ। और ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी के पीछे से लुक, आप लोग कंप्लीट लुक देख सकते हैं। और ऐसी कुछ दिखती है दोस्तों कीज, दो की देखने को मिलती है लॉक अनलॉक, और दो बार प्रेस करेंगे टेल गेट वाले बटन को तो आप लोगों का जो टेल गेट है वो ओपन हो जाएगा। पावर टेल गेट देखने को मिलता है, बूट आप लोगों का ओपन हो जाता है। और यहां पे स्पेस की बात करें तो काफी सफिशियंट स्पेस देखने को मिलती है 359 लीटर की लैंप के साथ। नीचे की तरफ स्पेयर व्हील देखने को मिलता है जो कि एक स्टील रिम है टूल किट के साथ और काफी इजिली क्लोज हो जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं। टाइटेनियम की पीछे बैजिंग देखने को मिल जाती है आप लोगों को वेरियंट की। और ये पीछे बंपर में आप लोगों को रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे, साथ ही में आप लोगों को कैमरा भी देखने को मिलता है गाड़ी में इस पर्टिकुलर वेरियंट में। और आइए दोस्तों गाड़ी के पीछे के पैसेंजर साइड गेट का लुक खोल के देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो डोर में फिनिश देखने को मिलता है पीछे के साइड में वो आप लोगों को ब्लैक एंड बेज कलर में देखने को मिलता है। तो ये काफी एरी फीलिंग ला देता है जो बेज कलर है गाड़ी के अंदर। और ये फैब्रिक टच देखने को मिलता है, यहाँ पावर विंडो की कंट्रोल बॉटन होल्डर देखने को नहीं मिलता पीछे के डोर्स में। और ऐसी कुछ दिखती है दोस्तों गाड़ी की पीछे की सीट्स आप लोग देख सकते हैं। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है बेज फिनिश के साथ। और चलिए गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और डोर को क्लोज कर लेते हैं। और जो डोर है वो भी काफी अच्छा आप लोगों को हैवी फील होगा। और ये गाड़ी का लेग रूम आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा देखने को मिलता है। दोनों ही सीट के पीछे पॉकेट्स देखने को मिलती हैं। दो हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं गाड़ी में आप लोग देख सकते हैं। पीछे भी यहाँ काफी स्पेस देखने को मिलती है। दो एडल्ट और एक बच्चा गाड़ी की सीट में पीछे कंफर्टेबली बैठ सकता है क्योंकि जो उसकी विड्थ है वो कम है। और ऐसा कुछ दिखता है फ्रंट डैशबोर्ड का लुक पीछे की सीट से फोर्ड एस्पायर का। पीछे की तरफ हालांकि रीडिंग लैंप देखने को नहीं मिलती जो कि देना चाहिए थी। और एक और एक नेगेटिव पॉइंट इसका यह है कि इसके पीछे के डोर्स में आप लोगों को बॉटल होल्डर देखने को नहीं मिलते जो कि देना चाहिए था। तो ये एक चीज है देखने वाली। और आइए दोस्तों गाड़ी के फ्रंट डोर का लुक खोल के देख लेते हैं कि वहां क्या कुछ देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फोर्ड ने अगर पीछे बॉटल होल्डर नहीं दिए तो आप लोगों को आगे दो देखने को मिल जाते हैं, बट वो इतना प्रैक्टिकल नहीं बनता। अगर पीछे भी दे दिए जाते तो काफी अच्छी चीज होती वो। और डोर में ही आप लोगों को पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। और ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी की फ्रंट की सीट्स। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को मिलती है, मैन्युअली आप उसको हाइट एडजस्ट कर सकते हैं कम ज्यादा। और ऐसे कुछ दिखते हैं गाड़ी के पेडल्स, डेड पेडल देखने को नहीं मिलता आप लोगों को गाड़ी में। नीचे से ही आप लोग गाड़ी के जो फ्यूल लिड है वो ओपन कर सकते हैं। पेट्रोल लेंगे तो 42 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आएगी उसमें और डीजल लेंगे तो 40 लीटर की देखने को मिलेगी। और ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, फोर्ड का लोगो देखने को मिलता है स्टीयरिंग व्हील में। लेदर रब देखने को नहीं मिलता आप लोगों को ये। और चलिए गाड़ी की कीज रख देते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिलता है और यहां से आप लोग फोन के कंट्रोल कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील पे। और ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में स्पीडोमीटर मिलता है, लेफ्ट साइड में RPM मीटर मिलता है और राइट साइड में आप लोगों को फ्यूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता देगा। टिल्ट स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, यानी ऊपर नीचे होगा पर आगे पीछे नहीं होगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता।
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दोस्तों आप लोगों को एमआईडी देखने को मिलती है, इसमें आप ट्रिप ए ट्रिप बी और अपने एवरेज देख सकते हैं। और यह है दोस्तों 6.5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, यूएसबी और ऑक्स को, साथ ही में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को। और इसके टच का रिस्पॉन्स आप लोग देख सकते हैं, काफी स्मूथली ये वर्क करता है बिना किसी लैग के। और ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा की आप लोग क्वालिटी देख सकते हैं, गाइडलाइंस नहीं मिलती हैं। और इसको आप लोग यहाँ पे नीचे से मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर बटन दिए गए हैं आप लोगों को वहां पे कंट्रोल्स के लिए। यहां से हजार्ड लैंप का स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं आप लोग। और यह है दोस्तों ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी विथ हीटर, आप लोग देख सकते हैं काफी इजी टू यूज है। यहां पे नीचे उसके काफी स्पेस देखने को मिलती है थोड़ी बहुत, यहां पे अपने मोबाइल फोन्स रख सकते हैं आप, ये सेल फोन्स। ये 5 स्पीड का मैनुअल गेयरबॉक्स, वहीं पे आप लोगों को 12 का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है यूएसबी और ऑक्स के साथ। और यहां पीछे 2 बॉटल होल्डर हैंडब्रेक के साथ आप लोग देखने को मिलते हैं गाड़ी में। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स डिसेंट स्पेस के साथ देखने को मिलता है गाड़ी में। फ्रंट में रीडिंग लैंप देखने को मिलती है और ये आप लोगों को डे और नाइट के हिसाब से मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा रियर व्यू मिरर को, या IRVM जिसे हम कहते हैं। पैसेंजर साइड सनशेड में वैनिटी मिरर देखने को मिलता है बट लाइट देखने को नहीं मिलती। और ड्राइवर साइड सनशेड में टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल जो डैशबोर्ड की क्वालिटी है दोस्तों उसकी बात करें तो काफी अच्छी देखने को मिलती है वो, प्राइस की अगर अकॉर्डिंग की बात करें तो। ब्लैक एंड बेज फिनिश देखने को मिलता है ओवरऑल डैशबोर्ड में, ये वाइपर्स के कंट्रोल और ये लाइट के। और स्टेयरिंग में आप लोगों को पियानो ब्लैक फिनिश भी देखने को मिलता है, यहां से आप लोग उसके हेडलैम्प कंट्रोल कर सकते हैं, आगे पीछे की फॉग लैम्प ऑन ऑफ कर सकते हैं आप लोग गाड़ी की। एसी वेंट्स आप लोगों को जो साइड में है वो राउंड शेप में देखने को मिलते हैं। और यह है दोस्तों गाड़ी का इंजन, आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोगों को देखने को मिलते हैं 2 इंजन ऑप्शंस। तो ये है दोस्तों 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि आप लोगों को 95 bhp की पावर देगा और 120 nm ऑफ टॉर्क। एक आता है दोस्तों इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि 100 bhp की पावर देगा और 215 nm ऑफ टॉर्क। उसमें आप लोगों को पैडिंग भी देखने को मिलती है बोनट में जिससे केबिन में साउंड कम जाए, पेट्रोल इंजन में देखने को नहीं मिलती आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों गाड़ी का बोनट क्लोज कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा फोर्ड एस्पायर का ये वीडियो मुझे कमेंट्स में बताइए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग और ऐसी वीडियो देख सके। साथ ही में आप लोगों को डीलरशिप का नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वारी के लिए। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना है दोस्तों तो लिखिए रजत श्रीवास्तव 1310। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।